तो फाइनली आज मैंने डिसाइड कर ही लिया कि ना आपको अपनी वार्डरोब का जो है ना वो टूर करवाया जाए, बल्कि दिखाया जाए अच्छे तरीके से। खैर ये है जी मेरी कपड़ों वाली अलमारी, जिसको एक साल पहले जो है ना खतरनाक कीड़ा जो है ना वो लग चुका था, और उसने इसको इस तरह खाया जिस तरह आपको कोई बुरी नजर लगती है, और बुरी नजर जो है ना बिल्कुल इसी दिमाग की तरह खा जाती है जिस तरह ये देख। मेरी अलमारी का इसने बुरा हाल कर दिया था। खैर अब हमने डिसाइड किया कि उसको सारा जो है ना खाली किया जाए और इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है ना ठीक करवाया जाए। अब हमने सबने मिलके इसको जो है ना खाली किया है, सारे कपड़े शपड़े जो है ना निकाल दिए हैं, और इतना ज्यादा इसने बुरी हालत इसकी की हुई थी ना कि आपको क्या ही बताऊं। मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स के साथ ये भी शेयर करूं, इन चीजों का भी ना खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे जी जो खतरनाक कीड़ा लगा था ना, उसने इसको इतनी बुरी तरीके से खाया है, मैं आपको इसकी निशानी भी दिखाती हूँ। उन्होंने निशानी अपनी छोड़ दी थी, जिसको स्प्रे करने के बाद हमने है ना देखा, निशान भी पड़ गए थे। ये देखे दरवाजा जो है ना बिल्कुल भी बंद नहीं हो पा रहा था, और इसको मैंने फिर जो है ना इसी तरह से यूज कर रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको ठीक करवाया जाए। मेरे हस्बैंड ने फिर जो है ना तरखान को बुलाया, उन्होंने अब इसको कहा कि इसको खाली करें और इसको मैं जो है ना A1 करके फिर आपको दूंगा। तो इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी इस ठीक होने के बाद भी। ये देखे जो कीड़ा लग चुका था ना, उसने जगह जगह जो है ना अपने निशान छोड़े हुए हैं। तो इस तरह जो है ना चीजें बर्बाद कर देते हैं, तो इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लकड़ी का जो है ना जो भी अगर कैबिन वगैरह है ना उसको स्प्रे करना चाहिए। तो फिर हमने जो है ना अपने बाकी जितने भी कबर्ड्स वगैरह थे ना उन सबको जो है स्प्रे किया है और इससे बचाया है। लेकिन ये जो मेरी इतनी फेवरेट मोस्ट फेवरेट मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे ये मिली थी ना, इसको बर्बाद कर दिया इसने। खैर अब जो है इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी, तो जब बेहतर होगी तो आपको मैं सारा दिखाऊंगी भी। और ये देखें सारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से कीड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहां तक पहुंचा है, और उसने जितने भी कबर्स थे ना सबको खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये इतनी माशाल्लाह से लकड़ी इतनी फाइन है, इतनी मजबूत होने के बावजूद भी देखेंगे इसका कितना बुरा हाल है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ कि बैक साइड को भी देखें इसने किस तरह से खाया है। सारा जो इसका जो है ना सारे टुकड़े इसके नीचे गिरे हुए हैं, साफ करेंगे और इसको जो है ना बिल्कुल प्रॉपर सेट वेट करके इसमें सारा कुछ सेट करूंगी मैं, अपनी बेटियों के कपड़े वगैरह भी और अपने भी, आपको इसका दिखाऊंगी। इसके अलावा जो है ना बर्तनों वाला जो शोकेस होता है ना उसको भी उसने बर्बाद कर दिया था। ये सारे जो है ना, अच्छा यहाँ पे ना सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, फैंसी कपड़े भी इसमें हैंग हुए थे और दूसरे भी थे कैजुअल भी थे, लेकिन मैं अच्छे तरीके से इसको यूज नहीं कर पा रही थी। जब आपकी एक चीज ठीक ही नहीं है तो फिर हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठीक करवाया जाएगा और फिर मैं इसको प्रॉपरली यूज करूंगी। और ये सारा जो है ना पूरे ड्राइंग रूम में बहुत ज्यादा मैस हो चुका है, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि इसको हम किस तरह से अब ठीक करेंगे। सारे घर में ना सामान बिखरा हुआ है, तो मेरा अम्मी की तरफ आने का मेन मकसद ये भी था कि मैं जो है ना सामान सारा निकाला गया है, इस वजह से मैंने अम्मी की तरफ, फिर मुझे एक दो दिन लग जाने हैं, तो बस इसलिए मैं अम्मी की तरफ जो है ना एक रात के लिए या दो दिन के लिए जरूर जाऊंगी रहने के लिए। फिर वहां पर जाकर भी आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दरवाजे भी बर्बाद हो चुके थे। तो बहुत ज्यादा दुख होता है जब आपकी कोई फेवरेट चीज, आपकी जो इतनी महंगी चीज और खासतौर पर पेरेंट्स की तरफ से मिली हो ना, उसको इस तरह से खराब हो जाए ना तो बड़ा दुख होता है। तो ये रहा जी बर्तनों वाला शोकेस जिसको एसी ने खराब किया, और एसी लगा हुआ था, इसके एसी का पानी जो है ना वो नीचे लीक हो रहा था, जिसकी वजह से शोकेस जो है ना वो भी खराब हो गया, इसके मिरर जो है वो उतरना स्टार्ट हो गए। और 8 साल हो गए मैं इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन ये इसके दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे थे, तो अब इसको भी उन्होंने ठीक करके हमें जो है ना प्रॉपरली पकड़ाना था। तो फ्रेंड्स मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना इन दोनों चीजों के देख के, अल्लाह करे ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आगे ईद है तो ईद से पहले सारे काम जो है ना सिमट जाए, जो बस ये परेशानी है कि किसी तरह से ये जो है ना मसला भी हल हो जाए।